बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 सामान्य हिंदी भाग 4, इसमें आपका पुनश्च स्वागत है। आज हम गद्य के विविध आयाम इस पुस्तक में से 9वां पाठ आरंभ कर रहे हैं, जो इस सत्र का चौथा भाग है, चौथा पाठ है। इस सत्र में हमने पहले डॉक्टर रजनी गुप्त लिखित एक डायरी जिसका शीर्षक स्त्रीघर था, वह पढ़ाई है। उसके उपरांत दूसरे पाठ के रूप में हमने एक व्यंग्य जिसका शीर्षक कर कमल हो गए, यह था, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा था, उसको भी पूर्ण कर दिया है। तीसरा पाठ जिसका शीर्षक था जहां आकाश नहीं दिखाई देता, यह एक रिपोर्टाज था जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित था। इसके उपरांत आज हम चौथे पाठ की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुरीति तोड़ो परिवार नहीं। यह एक पत्र है अपनी माँ का अपनी बेटी के नाम, एक माँ का अपनी बेटी के नाम। इसकी लेखिका है अर्चना वर्मा। सबसे पहले हम अर्चना वर्मा जी का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। अर्चना वर्मा जी का जन्म सन 1946 ईस्वी में इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। पिता के तबादले वाली नौकरी के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में घूमते हुए उनका बचपन बीता और आरंभिक शिक्षा भी संपन्न हुई। पदव्युत्तर पदवी अर्थात एमए आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में किया हुआ है। उसके उपरांत 1946 में मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से वो संबद्ध रहीं। अध्यापन जीवन के सबसे अधिक मूल्यवान अनुभव आपको यहीं प्राप्त हुए, यानी एक अध्यापक के रूप में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपको मिरांडा हाउस इस महाविद्यालय में मिले, जो हिंदी विभाग में वे कार्यरत थी। उसके उपरांत हम देखते हैं कि आपकी पहली रचना 1966 में ही प्रसिद्ध हिंदी लेखक धर्मवीर भारती जी के धर्मयुग इस मासिक के दीपावली विशेषांक में हुआ, प्रकाशन हुआ। हिंदी के प्रमुख कथा पत्रिका हंस, जो प्रेमचंद द्वारा संस्थापित थी और राजेंद्र यादव चला रहे थे, उसके 20 वर्षों से वे संपादकीय सहयोगी के रूप में संबद्ध हैं। कहानी, कविता, बाल साहित्य, किशोर साहित्य, संस्मरण, स्त्री विमर्श, समीक्षा, आलोचना आदि अनेक विधाओं में आपने धीरे धीरे विलंबित किंतु नियमित लेखन किया, जो अनेक हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। आपके 2 कहानी संग्रह, 2 कविता संग्रह, 1 किशोर उपन्यास और आलोचना की पुस्तकें प्रकाशित हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अर्चना वर्मा जी एक बहुमुखी सर्जिका के रूप में, साहित्यकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। अब हम चलेंगे उनके पत्र की ओर। ध्यान दीजिए, आज तक हमने जो विधाएं पढ़ी, चाहे वो प्रेमचंद जी की आत्मकथा हो, चाहे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण हो, चाहे रेखाचित्र हो, चाहे निबंध हो, चाहे यात्रा वृत्त हो, चाहे डायरी हो, चाहे व्यंग्य हो, या फिर अभी अभी देखा हुआ रिपोर्टाज हो, उसी तरह से पत्र भी एक नितांत वैयक्तिक अभिव्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इस पत्र का शीर्षक ही है कुरीति तोड़ो परिवार नहीं। और एक माँ अपनी बेटी से जो एक विशेष उपदेश देती है,
वो अर्चना वर्मा अपनी बेटी को देती हैं। बेटी का नाम सुषमा है। अब वो लिख रही हैं, प्रिय बेटी, हाल ही में मैंने तुम्हें पत्र में दहेज कानून के बारे में लिखा था। ध्यान रखिए कि स्त्री जीवन की सबसे बड़ी विडंबना दहेज है, और उसके माता पिता कितना भी दहेज जोड़ लें क्यों न, अंत में ससुराल वाले उसे किस प्रकार से संतरस्त करते हैं यह सब आपको पता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक माँ अपनी बेटी को, मतलब अर्चना जी सुषमा जी को लिख रहे हैं कि हाल ही में मैंने एक पत्र तुम्हें लिखा था, जिस पत्र में मैंने आपको दहेज कानून के बारे में बताया था, जिसे मराठी में हुंडा कहा जाता है, वरदक्षिणा जैसा एक सुमधुर नाम दिया जाता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा था और बताया था कि आज भौतिक सुख सुविधाओं के खातिर इंसान अपनी जान कितनी सस्ती हो गई है, मतलब मनुष्य के प्राण कितने सस्ते हो चुके हैं, मनुष्य की जान कितनी सस्ती हो चुकी है, किसके तब बराबरी में, जिसके तुलना में, तो सुख सुविधाओं की तुलना में। मतलब देखिए, कुछ लड़कियों की हत्या केवल इसलिए की जाती है कि ससुराल से उन्हें क्या चाहिए, उन्हें टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, बुलेट चाहिए, गाड़ी चाहिए, वगैरह वगैरह के लिए। मतलब सुख सुविधाएं और लड़की की जान, इसमें से सुख सुविधाएं ज्यादा प्यारी हैं, लड़की की जान सस्ती है, इस प्रकार से अर्चना जी अपनी बेटी से, सुषमा से कह रही हैं। आगे चलकर वो कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि कुछ लड़कियां अब साहस कर दहेज लोभियों से शादी करने से इनकार कर रही हैं। मतलब जो दहेज के, हुंडा के या वरदक्षिणा के लोभी हैं, ऐसे लोगों से विवाह करने से मना कर रही हैं कुछ लड़कियां। एक साहस एक प्रकार का आ चुका है लड़कियों में। यानी ये देखा जाए कि हमारे समाज में जो एक कुरीति है, एक कुपरंपरा है, एक कुप्रथा है दहेज लेने की लड़कियों, लड़की की ओर से या लड़की के माता पिता की ओर से, उसको अगर मिटाना है तो केवल लड़कियों को साहसी बनना पड़ेगा। एक चलते चलते एक सूत्र उन्होंने दिया है। वे आगे लिखते हैं, देखिए, दहेज कानून को लेकर के अच्छा खासा विवाद है। देखिए, हमारे देश में जब भी कोई नई चीज आती है, नया कानून आ जाता है, तो उस कानून के समर्थन में और उस कानून के विरोध में एक प्रकार का वाद विवाद चलता है, और इस कानून से दोनों का कल्याण होना चाहिए ऐसा माना जाता है। मतलब अगर दहेज निर्मूलन कायदा अगर आ गया, कानून अगर आया, तो इससे लड़की वाले और लड़के वाले दोनों का कल्याण होना चाहिए, एक प्रकार से ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे असंज्ञेय अपराधों में की श्रेणी में शामिल कर जमानती बनाने का सुझाव दिया था। क्या किया था? देखिए, आपको इस पत्र के साथ ही दहेज कानून का इतिहास भी थोड़ा बहुत पता चलेगा। तो क्या किया था दिल्ली उच्च न्यायालय ने? दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा था और जमानती बनाने की सूचना दी थी। मतलब जमानत मिलनी चाहिए। मतलब अगर किसी लड़की ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का दावा ठोक दिया, तो सीधे उन्हें अटक नहीं होनी चाहिए, सीधे उन्हें पकड़ा नहीं जाना चाहिए, गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए, अपितु इसे जमानती कानून रखना चाहिए, मतलब उसे जमानत मिलनी चाहिए, ऐसा ऐसा दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था। अदालत का मानना है, न्यायालय का मानना है कि दहेज प्रताड़ना के मामले में तब तक संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए जब तक प्रताड़ना के कारण महिला को गंभीर किस्म की शारीरिक चोट या मानसिक आघात न पहुंचा हो। अब देखिए, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि स्वयं हो करके, यानी किसी लड़की ने पुलिस में जा करके अपने ससुराल वालों के प्रति कोई अपराध दर्ज न किया जाए तब तक उसे नहीं लेना चाहिए, उसे कहा जाता है असंज्ञेय अपराध। और न्यायालय का ये कहना है कि किस दहेज के कानून के माध्यम से अगर कोई लड़की झट से अपने पति पर, अपने ससुराल वालों पर कोई केस कर देती है, कोई इस प्रकार से उसे संतरस्त करने का प्रयास करती है, तो सबसे पहले उसका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मतलब
अदालत का ये कहना है कि ये संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आना चाहिए और संज्ञान तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक लड़की को कोई शारीरिक गंभीर चोट न पहुंचे या मानसिक कोई गंभीर तनाव या आघात न पहुंचा हो। अदालत का कहना यह है कि कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा समाप्त करना है। क्या है कानून का मूल उद्देश्य, क्या है इसका? दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिए, न कि किसी दहेज लेने वाले को दंड होना चाहिए। मतलब देखिए, मूलतः उद्देश्य ध्यान में रखना रखें और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ताकि महिलाओं के साथ मानवीय व्यवहार हो। देखिए, एक सामाजिक मर्यादा का संस्कार ये होता है कि किसी भी महिला को कोई चोट न पहुंचे, समाज में उसे ज्यादा आघात न पहुंचाया जाए। इस प्रकार से यह भी एक कानून का उद्देश्य है कि महिलाओं के साथ मानवीय व्यवहार हो, जिस प्रकार से मनुष्य के साथ एक मानवीय संबंध रूपी व्यवहार होता है, वैसा पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ करना चाहिए व्यवहार। ये इस प्रकार से इस दहेज प्रताड़ना कानून का उद्देश्य था, परंतु ऐसा नहीं होता है। ध्यान रहे, कभी कभी कानून का दुरुपयोग भी होता है, और आप जानते हैं कि वकील नाम का जो प्राणी होता है, मैं जानबूझकर प्राणी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वह हर कायदे कानून में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कुछ शब्दों का खेल खेलता है कि वह कानून का सही उपयोग नहीं हो पाता। अब देखिए, यहाँ कहा है, पर दहेज प्रताड़ना कानून की धारा 498A का दुरुपयोग होने लगा है लड़कियों की ओर से। मतलब कुछ थोड़ा भी कुछ हुआ, झट से उसे एकदम केस दायर कर देना, यह भी गलत बात है। दुरुपयोग होने लगा है। कानून की आड़ में कई बार वर पक्ष के स्कूली बच्चों, बूढ़ों, दूरदराज के संबंधियों तक तो फंसा दिया जाता है। मतलब दहेज प्रताड़ना कानून के तहत देखिए, अगर पति पर केस किया, हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ससुराल पक्ष की ओर से छोटे छोटे स्कूली बच्चों पर केस कर देना, बूढ़े जो अभी खुद अपनी लाठी ठीक ढंग से नहीं पकड़ पा रहे हैं उन पर केस कर देना, या बहुत दूर के रिश्तेदारों को उसमें घसीट कर ले आना, ये भी दुरुपयोग है, या फांसा लेना गलत है। इससे अच्छे भले परिवार को बिखरने की नौबत आ जाती है। इसलिए देखिए, इस पत्र का शीर्षक ही है, कुरीति तोड़ो परिवार नहीं। परिवार तोड़ना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु दहेज जैसी जो कुरीति है, कुप्रथा है, कुपरंपरा है, उसको तोड़ने की बात लेखिका कर रही है। इससे क्या होता है, अगर इस कानून का दुरुपयोग लड़कियां करती हैं, पत्नियां करती हैं, महिलाएं करती हैं, तो अच्छे भले परिवार को बिखरने की नौबत आ जाती है, परिवार टूट जाता है। और जो शीर्षक दिया था कुरीति तोड़ परिवार नहीं, ये शीर्षक ही खत्म हो जाएगा, उसकी उपादेयता नष्ट हो जाएगी। दहेज कानून को 1984 में संशोधित करके संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया। अब तक वो क्या था, 1984 के पहले वो असंज्ञेय अपराध था, अब वो संज्ञेय अपराध बन चुका था, ताकि दहेज के दिन पर दिन बढ़ती मांग के कारण लड़कियों को प्रताड़ित न होना पड़े। दहेज के लिए मारपीट या सताए जाने पर पति और ससुराल वालों को सजा के प्रावधान से उम्मीद थी कि दहेज समस्या पर अंकुश लगेगा, मगर कानून का डर भी दहेज लोभियों को रोक नहीं पाया। ध्यान रखिए, कानून एक ऐसी चीज है जिससे लोग डरते तो हैं, लेकिन फिर भी उस कानून को तोड़ने में उन्हें आनंद आता है, क्योंकि कानून ठीक ढंग से उसका अनुपालन नहीं होता, परिपालन नहीं होता। और जो सचमुच दहेज लेकर के लड़कियों को मारने वाले हैं, प्रताड़ित करने वाले हैं, जान से मार डालने वाले हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं लगा, लेकिन जो बिल्कुल थोड़े बहुत पाप भीरु थे उनको लड़कियों ने फंसा करके जेल भिजवा दिया। ये दोनों गलत है। मतलब कानून का दुरुपयोग दोनों पद्धतियों से हो रहा है, एक ओर से कानून तोड़ा जा रहा है और दूसरी ओर कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इन देखिए कि ससुराल वालों को थोड़ी सी सजा दे करके उन्हें इस बात का अंदाजा दिलाएं कि लड़की को मारना, अपनी बहू को मारना, अपनी पत्नी को मारना एक संज्ञेय अपराध बन चुका है, और स्वयं कोर्ट इसका संज्ञान लेकर के उस पति को, उस ससुराल वाले कुछ पुरुष लोगों को अच्छी तरह से उसकी सजा मिल सकती है और ये दहेज प्रथा समाप्त होगी, ऐसा उसका उद्देश्य था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
दहेज के लोभी लोगों ने कानून को तोड़ने में कोई कसर नहीं रखी और लड़कियों ने भी बिना अपराध के अपने ससुराल वालों को जेल में डालने से भी कमी नहीं रही। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दहेज कानून का कुछ लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। देखने में आया है कि कुछ लड़कियां खुद दहेज मांगती हैं। आपको जानकारी के लिए, अगर आपने सूरज का सातवां घोड़ा नामक उपन्यास पढ़ा होगा धर्मवीर भारती का, तो उसमें लड़की खुद होकर अपने पिता से दहेज मांगती है, उसका पति बिल्कुल नहीं मांगता था, खुद होकर। तो ये भी गलत है। लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। देखिए, हमारे भारत वर्ष के कानून की ये प्रथा है कि पिता के द्वारा, माता के द्वारा संपादित की हुई संपत्ति पर लड़कियों का अधिकार अभी तक नहीं है। वैसे कानूनी दृष्टि से है, लेकिन लड़कियां, यानी जहां तक हो सके लड़कियां अपनी पिता के संपत्ति में कुछ मांगती नहीं है। इसलिए उन्हें लगता है कि दहेज के बहाने माँ बाप से जितना ऐंठ सके, जितना ले सके, उतना ठीक है, ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, आभूषण ले लो, पैसे ले लो। पर सच्चाई यह है कि ज्यादातर लड़कियां इस कुप्रथा से छुटकारा पाना चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, अधिकतर लड़कियां ऐसी हैं जो दहेज की कुप्रथा से छुटकारा पाना चाहती हैं। पानी सिर के ऊपर से निकल जाने पर ही लड़कियां दहेज कानून में केस दर्ज कराती हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि स्त्रियों को सहनशील होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, ऐसा मानते 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 नौबत यहाँ तक आती है कि मारपीट जब होने लगती है, जब पानी सिर से ऊपर बह जाता है, तब कहीं जाकर के लड़कियां इस दहेज विरोधी कानून के अंतर्गत केस दर्ज करती हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, और कहीं बहुत जल्दबाजी में की जाती है। देखिए, यहाँ का संसद विवेक होना चाहिए, स्वर्ण मध्य होना चाहिए, छोटी छोटी चीज को लेकर के। देखिए, गत वर्ष एक थप्पड़ नाम की फिल्म आई थी, जिसमें पति एक थप्पड़ मारता है और इतना बड़ा कांड हो जाता है, उसे बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गए, तापसी पन्नू को और डायरेक्टर को भी, अभिनव गुप्ता, अभिनव को भी मिल गया, ऐसा मैंने सुना है। मैंने उतने ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन कि एक केवल एक थप्पड़ के कारण अगर सब कुछ हो जाए, यानी थप्पड़ मारना गलत है, सही है, ऐसा मैं ठहरा नहीं रहा हूँ, लेकिन छोटी मोटी बात पर जब दो व्यक्ति एकत्र आ जाते हैं तो कुछ कहा सुनी हो जाती है, कुछ छोटी मोटी तकरारें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे इसको न्यायालय में लिया जाए, परंतु ये भी गलत है कि बहुत मारपीट होने के बाद भी गलत, मतलब इसका सद-सद विवेक रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, लेखिका अर्चना वर्मा अपनी बेटी सुषमा से आगे कह रही हैं, बेटी तुम्हें पता है कि विवाह एक सामाजिक बंधन है जिसकी बुनियाद विश्वास पर आधारित है। ध्यान रहे, सामाजिक बंधन है विवाह, शादी, ब्याह, चाहे जो कहें, जिसे मुसलमान लोग करार कहते हैं, हम संस्कार कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक सामाजिक बंधन है, और ये बंधन है विश्वास पर आधारित। अगर विश्वास नहीं है तो तलाक लेने में देर नहीं लगेगी। यदि पति पत्नी के मतभेदों के घर की चार दीवारी लांघ करके कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की नौबत आ जाए तो मानना पड़ेगा कि मामला बहुत गंभीर है, अत्यंत गंभीर है। मतलब पति पत्नी में मतभेद होना, देखिए प्रत्येक मनुष्य है, मत्वा कर्माणि सेव्यतीति मनुष्य है, इस प्रकार मनुष्य की व्याख्या की जाती है। विचार करना मनुष्य की, मनुष्य का लक्षण है। अन्य प्राणी विचार नहीं करते, अन्य प्राणी बोलते नहीं है, अन्य प्राणी अभिव्यक्त नहीं करते, मनुष्य ही विचार करता है, अनुभव करता है, अभिव्यक्त करता है, बोलता है। और ये सामान्य तौर पर यह सच्चाई है कि दो मनुष्य चाहे कितने भी आइडेंटिकल हो, क्या है, चाहे कितने भी एक दूसरे से मिलते जुलते क्यों ना हो, वैचारिक मतभेद होना सहज है, परंतु उन मतभेदों को अपने घर की चार दीवारी लांग करके कोर्ट कचहरी तक पहुंचना, मतलब बहुत खतरनाक बात है और ये बहुत गंभीर बात है। महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने के बाद ही दहेज कानून बनाने में सफलता मिली थी। यानी दहेज विरोधी, दहेज प्रथा का विरोधी कानून बनाने में जो एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई भी कुछ कम नहीं थी। इतना कड़ा कानून होने के बावजूद दहेज के लिए लड़कियों की जान लेने या उन्हें प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी सच्चाई है। ये भी सच्चाई है कि कानून कितना भी कड़ा कानून बना दिया जाए, विधि विधान कितने भी कड़े बना लिए जाए, जब तक मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक कानून का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ
ये कहा गया है कि इतना कड़ा कानून बनाने के बावजूद भी दहेज के लोगों ने लड़कियों को मारना शुरू ही रख रखा है। लड़कियों को पीटना, प्रताड़ित करना, जान लेना तक ये आरंभ ही रखा है। इससे घटनाएं कुछ कम नहीं हुई, यानी इससे कानून बनाने से परिवर्तन समाज में हो जाएगा ऐसा कहीं नहीं हो सकता। यानी उल्टे तो जब से ये कानून बना है दहेज प्रथा को खंडित करने का, समाप्त करने का जो कानून बना है, उस कानून के बन जाने के उपरांत अत्यंत वेग से इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। देश की विभिन्न अदालतों में दहेज से हुई मौत के करीब 25,000 मामले प्रलंबित हैं। यानी बहुत पुरानी बात है ये, लगभग 1990-92 की बात चल रही है कि उस समय भी दहेज के कारण जो लड़कियों की मौत हो जाती है, महिलाओं की मौत हो जाती है, उसके 25,000, 1, 2, 3, 4 नहीं, 25,000 मामले प्रलंबित हैं। और हमारी आपको न्याय व्यवस्था पता है, वो घायल फिल्म, घातक फिल्म जैसे, कौन सी फिल्म थी वो, शायद अदामिनी, हाँ, उसमें सनी देओल बाबा कहते हैं ना बार बार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, प्रलंबित चल रही है, चल रहा है, चल रहा है। दोनों पक्ष आकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ आपस में परामर्श हो रहा है, एक पक्ष ये कहता है, दूसरा पक्ष ये कहता है, साक्ष्य रखे जाते हैं, गलत साक्ष्य रखे जाते हैं, उनको बार बार दोनों पक्ष के ओर के वकील और अधिक हवा देते हैं, अपना पेट भरते हैं, और तारीख पे तारीख निकलती जाती है। न्यायाधीश भी वही है। मेरे ख्याल से एक 15 वर्ष या 10 वर्ष पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुझे उसका उनका नाम याद नहीं आ रहा है इस समय, उन्होंने कहा था कि इसी गति से, अगर जो इस समय जिस गति से न्यायालय के प्रकरण चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, इसी गति से अगर चलते रहे तो 1,000 वर्ष भी लग सकते हैं अब तक जितने केसेस हैं उनको, उनका निर्णय लेने में, उनका फैसला लेने में। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह वगैरह नई नई चीजें इसमें आ रही है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो चल रहा है, धीरे 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 चल रहा है, कछुए की गति से चल रहा है, इसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन, वेगवती चीज नहीं हो रही। लेकिन जो लड़कियां मारी गई, जिन लड़कियों को जिंदा जलाया गया, जिन लड़कियों को जिंदा दफनाया गया, जिनके हाथ काटे गए, सिर काटा गया, गर्दन काटी गई केवल दहेज के लिए, उनके साथ न्याय कैसे होगा? और देखिए आगे ये कहा जा रहा है कि 25,000 मामले प्रलंबित हैं और इनमें से 16-17% मामलों की सुनवाई हो रही है। मतलब अभी भी उसका अगर कर दिया जाए ना, तो अब तक लगभग 84% मामलों की सुनवाई ही नहीं हो रही है, केवल 16% मामलों की सुनवाई हो रही है। और उसमें से केवल, मतलब 16% में से भी, उनको 100% मान करके, उनमें से केवल 5-6% को ही सजा मिल पाती है। मतलब यहाँ हमारे देश में कानून केवल कानून है, उसको उसके कारण किसी को सजा नहीं मिलती, या मिलती है तो बहुत कम को मिलती है। और खुलकर कहा जाए तो ये आंकड़े एक दुखद नजारा पेश करते हैं, एक ऐसा तमाशा पेश करते हैं, एक ऐसी ऐसा दृश्य पेश करते हैं जो अत्यंत दुखद है। दहेज से हुई मौतों में करीब 30% शिकायतों की जांच ही नहीं होती, 70% की जांच होती है, 30% को तो माना ही नहीं जाता, किसी प्रकार से उस केस को दर्ज नहीं करने दिया जाता, या फिर उसे दबा दिया जाता है वगैरह वगैरह। और जो जिन मामलों में पुलिस तहकीकात करती है, मतलब 70% में थोड़ी बहुत तहकीकात करती है, थोड़ी बहुत चौकसी होती है, उनमें से केवल 67% की चार्जशीट दाखिल होती है। यानी अदालत तक आते आते बहुत से मामले में अभियुक्त पहले ही बरी हो जाते हैं, निर्दोष छूट जाते हैं अदालत आते आते, और जो अदालत में आते हैं उनको भी सजा नहीं होती। इन तथ्यों से पता लगता है कि या तो दहेज कानून में खामियां हैं, ध्यान रखिए, देखिए हम भले ही एक लोकशाही पद्धति की राजसत्ता स्वीकार चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि बहुमत के अभाव में बहुत सारे अच्छे अच्छी चीजें अपने आप खत्म हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ बताई गई है कि खामियां तो हैं, खामी मतलब कमी, कमतरताएं तो हैं,
या फिर हमारी पुलिस और अदालती प्रणाली में कहीं ना कहीं दोष है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। सामान्य आदमी पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी की सीढ़ी चढ़ने से पहले ही डरता है। अब ऐसे में क्या होगा, किस प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है? कि देखिए कि दोष तो है, कानून में दोष है, कानून के क्रियान्वयन में दोष है, क्रियान्वयन में दोष है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज पुलिस की जो व्यवस्था है उसमें भी दोष है और अदालत में भी दोष है। क्या क्या बता दें, अभी कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले ने ही आरोप किया था कि हमारे महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, गृह मंत्री ने हर महीने 100 करोड़ का खंडनी वसूल करने के लिए। नहीं, ये तो सिर्फ आरोप है, सच्चाई हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। और अदालतों में क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, अदालतों में सारे वकील लोग मिलकर के क्या करते हैं क्या नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट पहले पुलिस में दर्ज की जाती है। देखिए, डायरेक्ट इसका संज्ञान कोर्ट नहीं लेता। जब भी कोई दहेज प्रथा के अंतर्गत कोई पीड़ित लड़की होती है, कोई एक उसकी शिकार होती है, तो सबसे पहले उसकी केस दर्ज पुलिस में की जाती है। और बहुत सारी लड़कियां अपने अपने माता पिता की माली परिस्थिति ठीक न होने के कारण सब कुछ सह जाती है, क्योंकि पिता को ज्यादा संतुष्ट न होना पड़े, मर जाती है मगर पिता प्रांश नहीं आने देती। ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। अगर रिपोर्ट झूठी अथवा तथ्यों पर आधारित नहीं है तो पुलिस उसे प्राथमिक स्तर पर भी निपटा देती है। देखिए, पुलिस भी खुद न्यायाधीश बन जाती है, उन्हें लगता है कि ये केस ठीक ठाक नहीं है, योग्य नहीं है, तो झट से उस केस का निपटारा पहले ही कर देते हैं। इसलिए चूंकि दहेज के मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, इसलिए कई बार पति पत्नी में झगड़ा होने पर वकील दहेज कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करने की सलाह देते हैं। और वकील यहाँ बड़ी खतरनाक भूमिका निभाते हैं। थोड़ी भी अनबन पति पत्नी में हो जाए, समझिए पति ने केवल गाली दी पत्नी को, तो वकील ये कहता है कि तुझे मारा ऐसा कह अदालत में, तो इस प्रकार से भी झगड़े बढ़ते जाते हैं। यानी यानी दहेज कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करना, और उसके बाद एक और कानून आया था घरेलू हिंसा का। घरेलू हिंसा के कानून में भी पति को बहुत बड़ी सजा हो सकती है। इसलिए ये वकील लोग जो न अपने होते हैं ना पराए होते हैं, तो वो बड़ी खतरनाक स्थिति में आ जाते हैं। और ये लड़की को या पत्नी को या उस बहू को अपने ही पति के विरुद्ध मारने का, पीटने का एक केस दर्ज करा देते हैं, और इसमें संज्ञेय अपराध होने के कारण झट से उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। दबाव में या अनेक बार लड़का या उसके घर वाले समझौता करके बहू को घर लाने में राजी हो जाते हैं। वकील से पहले ही पुलिस में दबाव आ जाता है, अपने घर की इज्जत उछाली नहीं जाए, इसलिए थोड़ा बहुत ले दे करके उस बहू को वापस ले आते हैं। इतना ही नहीं, और भविष्य में उसे उत्पीड़ित न करने करते भी नहीं है, क्योंकि ये बात मामला अदालत में का हो जाएगा, कानून का मामला हो जाएगा, इसलिए एक बार थोड़ा सा प्रयास करके बाद में पुलिस के डर से, कानून के डर से वो मामला रफा दफा कर देते हैं और फिर बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं। अगर कोई मामला एकदम झूठा है या किसी को बेवजह फंसाया जा रहा है, तो इसका फैसला या तो पुलिस करती है या फिर अदालत। मतलब अगर किसी कारण से लड़कियां अपने पति को, अपने ससुराल वालों को बेवजह, बिना किसी कारण के, बिना किसी सबूत के इस प्रकार से दहेज के कानून में फंसाना चाहते हैं, तो पुलिस समझ लेती है झट से और अदालत समझ लेती है। पर इसका यह मतलब कतई नहीं कि वर्तमान कानून बदल दिया जाए। मतलब दोनों ओर से, लड़के की ओर से, लड़की की ओर से, पति की ओर पर से, पत्नी की ओर से, या यूं कहेंगे कि मायके की ओर से और ससुराल की ओर, दोनों की ओर से इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय का कानून ही बदल दिया जाए। एक 2 मिनट में समाप्त कर देंगे। बेटी, आगे वो सुषमा से कह रही हैं, बेटी हमारे समाज में लड़कियों या महिलाओं की स्थिति अभी काफी खराब है। हमारे समाज को अभी बहुत आगे बढ़ना है। अभी भी हमारा समाज उन्हीं पुरानी परिपाटियों से, रूढ़ियों से, प्रथाओं से चिपका हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा दोष महिलाओं का है। देखिए क्या कह रही हैं वो आगे।
उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा पाने में बहुत वर्ष बरसों लगेंगे, अभी बहुत बहुत दिन लगेंगे। अभी दहेज कानून को बदलने या हल्का बनाने के बजाय सरकार को लड़कियों को लड़कों के भांति पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने का कानून बनाना चाहिए। अगर लड़की अपने संपत्ति में, अपने पिता की संपत्ति में, अपनी माता की संपत्ति में उसका उसे पहले ही योग मिल गया तो वो दहेज खुद होकर के मांगने का साहस नहीं करेगी। इससे एक तो लड़कियों को आर्थिक अधिकार प्राप्त होगा, दूसरे दहेज की कुप्रथा पर रोक लग जाएगी। अभी तक लड़कियां और महिलाएं धन के मामले में शादी से पहले अपने पिता पर या भाई पर निर्भर रहती हैं, मतलब अपने पिता या भाई का मुंह देखने के लिए मजबूर रहती हैं। विवाह के बाद यह पुत्र या पति या पुत्र पर निर्भर हो जाती हैं। यानी विवाह के, जैसे देखिए वो मनुस्मृति में एक श्लोक आया था ना, पिता रक्षति कौमारे, पति रक्षति यौवने, पुत्र रक्षन्ति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। ये सच्चाई है, समाज की सच्चाई है कि देखिए कि विवाह से पहले या तो लड़की अपने पिता पर अवलंबित रहती है या फिर भाई पर अवलंबित रहती है, पिता अगर न हो तो, और अगर विवाह हो जाए तो अपने पति पर अवलंबित होती है, पति मर जाए तो अपने पुत्र पर अवलंबित रहती है, निर्भर रहती है। वो आत्मनिर्भर कभी नहीं रही, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं हो सकती, ऐसा मनु ने कहा था एक जमाने में। नौकरी या रोजगार न करने वाली महिलाएं पैसे धेले के लिए सारा जीवन पुरुषों पर निर्भर रहती है, मतलब जो लड़कियां या जो औरतें अपने पैर पर खड़े नहीं हैं, आर्थिक रीति से आत्मनिर्भर नहीं है, वो लड़कियां पिता भाई पति पुत्र पर जिंदगी भर अवलंबित रहती हैं, मजबूर रहती हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि स्त्रियों को आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर होना चाहिए। एक पहली चीज क्या कही है अर्चना वर्मा जी ने, एक पति पिता या माता की जायदाद में लड़की का हक होना चाहिए, दूसरा लड़की को अपने आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि इसी आर्थिक निर्भरता के कारण उन्हें पग पग पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अगर वह अपने पिता पर अवलंबित न हो, अपने भाई पर अवलंबित न हो, अपने पति पर अवलंबित न हो, अपने पुत्र पर अवलंबित न हो, तो अपने आप वह स्वतंत्र हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी। इसलिए दो चीजें यहाँ बताई हैं। देखिए माँ अर्चना वर्मा जी ने दो चीजें बताई हैं कि अपने पिता अपनी माता की जायदाद में लड़की को हिस्सा मिलना चाहिए, एक, और दूसरा लड़की को अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपने आप आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे ये दहेज के कानून की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अंत में मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ, अंत में वो कह रही है अपनी बेटी से, अंत में तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि दहेज जैसी कुरीति से लड़ने के लिए लड़कियों को सबसे पहले शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत नौकरी करके या कोई काम धंधा कर करके अपने पैरों पर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। शुभाशीष तुम्हारी माँ। इस प्रकार से ये पत्र समाप्त हो जाता है। इस पत्र में पूरी तरह से दहेज प्रथा के कानून को लेकर के, दहेज प्रथा समाप्त करने के कानून को लेकर के माता अर्चना वर्मा जी ने अपनी बेटी सुषमा को बातें की हैं, और ये बातें करते करते दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है कि एक तो लड़कियों को स्वयं शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पढ़ लिख करके नौकरी कर या किसी अन्य व्यवसाय में लग करके स्वयं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, या फिर उसके पहले अगर वो अपने माता पिता की संपत्ति में उसका अपना अगर हिस्सा आ जाता है तो अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगी। एक बार वो आत्मनिर्भर हो जाएगी तो वह पिता भाई पति या पुत्र पर अवलंबित नहीं रहेगी, और जो अवलंबित दूसरों पर नहीं रहेगी, जो परतंत्र नहीं रहेगी, वह अपना खुद का विकास अच्छी तरह से कर पाएगी, और दहेज प्रथा के कानून की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से यहाँ अर्चना वर्मा जी ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की है। आज यहीं रुक जाते हैं, बराबर 11:30 हो रहे हैं, हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगले सोमवार को हम एक नए पाठ के साथ फिर आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। तब तक जय हिंदी जय नागरी, धन्यवाद।